87 वोटों से कांग्रेस की शेरनी ने लहराया जीत का परचम। बीजेपी की ही गढ़ में बीजेपी की हुई करारी हार। आपको बताते चले, मांडू की वार्ड क्रमांक 9 में हुए उपचुनाव की आज मतगणना हुई, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी ममता पति तुलसी राम ने 87 मतों से जीत हासिल की, जिससे कांग्रेसियों में जश्न की आंधी छाई हुई है। जी हां, आपको बता दें कि यहां पूर्व में भाजपा की जसमा पति रामलाल का कब्जा था। उनकी नौकरी लगने के बाद उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद हुए उपचुनाव में जसमा की सास कांतिबाई भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ी, लेकिन वार्ड बॉसियों ने उन पर भरोसा नहीं जताया और यहां पर पहले भी ममता पार्षद रह चुकी हैं। वार्ड की जनता ने दूसरी बार कांग्रेस प्रत्याशी पर भरोसा जताया है। बता दें, मांडू नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 9 में हुए उपचुनाव के आज नतीजे आ गए और बीजेपी के गढ़ में कांग्रेस उम्मीदवार को जीत मिली है। कांग्रेस उम्मीदवार ममता पति तुलसीराम 87 वोटों से चुनाव जीत की है और इस सीट पर पहले बीजेपी का कब्जा था। तत्कालीन पार्षद का चयन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में होने के बाद उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद हुए उपचुनाव में बीजेपी की कांतिबाई को हार का सामना करना पड़ा। उपचुनाव में कांग्रेस की ममता पति तुलसीराम को कुल 200 वोट मिले, जबकि बीजेपी की कांतिबाई को महज 113 वोट मिले। इस तरह 87 वोटों से कांग्रेस की ममता विजयी रही और इससे एकमात्र सीट के लिए कांग्रेस बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन फिलहाल कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर, कॉमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।